लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे के बदौलत 2024 में यूपी फतह करने के प्लान में है, लेकिन सपा मुखिया समझ गए हैं कि पीडीए के अलावा अगर अगड़े वोटर्स भी सपा के साथ जुड़ जाते हैं तो यूपी में बीजेपी का खेल खराब किया जा सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी अगड़ों को भी जोड़ने में जुट गई है और इसलिए अब सपा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है। एक दिन पहले लखनऊ स्थित सपा के प्रदेश मुख्यालय में कन्नौज से आए ब्राह्मण समाज का पंचायत सम्मेलन हुआ, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश यादव के सामने इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का मुद्दा भी उठा। हिंदू धर्म और रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर ब्राह्मण समाज के लोगों, सपा प्रबुद्ध सभा की राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नाम लिए बगैर आपत्ति जताई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस तरह के बयानों पर रोक लगाने की मांग की। पंचायत में जब ये मुद्दा उठा तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह की चीजों पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये नसीहत दी कि धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी ना करें। इस बीच क्रिसमस मनाने मैनपुरी पहुंची सपा नेत्री और सांसद डिंपल यादव से जब स्वामी प्रसाद मौर्य के धर्म को लेकर विवादित बयानों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि शुरू से ही अखिलेश यादव इस बात को कहते रहे हैं कि स्वामी प्रसाद जो कह रहे हैं ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं, और किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारों का समर्थन नहीं करती है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक ना, क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी इन उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। बता दें कि रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों को लेकर भी एक्स पर एक पोस्ट किया था। अगस्त महीने में स्वामी प्रसाद ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। स्वामी प्रसाद ने अपनी इसी पोस्ट में हिंदू धर्म को धोखा बताते हुए ये कहा था कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को अपने धर्म के मकरजाल में फंसाने की साजिश की जाती है। हालांकि हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को लेकर स्वामी प्रसाद के लगातार तीखे बोल से सपा के ब्राह्मण नेता भी नाराज थे। बताया जाता है कि सपा के ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश के सामने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सपा प्रमुख ने पार्टी के नेताओं को धर्म और जाति को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी से बचने की नसीहत दी थी। अब सपा प्रमुख की ताज़ा नसीहत स्वामी के बयानों पर कितना लगाम लगा पाएगी ये देखने वाली बात होगी। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।